नमस्कार दोस्तों, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 10th of January 2024 थर्सडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बर्मा। मार्केट इज वेटिंग फॉर टुडेज डिसेंबर सीपीआई डेटा टू फाइन ट्यून द आउटलुक फॉर इंटरेस्ट रेट। इसके कारण पूरा का पूरा मार्केट जस्ट वेट एंड वॉच मोड में है कि नंबर क्या आएगा सीपीआई डेटा। अभी डॉलर इंडेक्स कहाँ पे, कल हल्का सा बाउंस बैक किया फ्रॉम ए लो ऑफ योर 102.10, करेंटली 102.56। सो अभी मार्केट ये जो रेजिस्टेंस जोन है 102.50 से 102.70 का, इसके जस्ट नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। सो इंडियन मार्केट टाइमिंग्स का 7 PM को ये सीपीआई डेटा आएगा, उसके बाद ही हमें देखना है कि ये किधर जा रहे हैं। डॉलर रुपी नथिंग न्यू, कंसोलिडेशन जारी है, अभी आपका 83.11 के आसपास चल रहे हैं। नीचे के लेवल पे वंस अगेन हम देखेंगे कि 83.0204 लेवल से बाउंस बैक किया है पिछले दो दिन में। सो इसमें कोई नया एनालिसिस हमारे पास एज ऑफ नाउ है नहीं, इंट्राडे में है, मींस 2-5 पैसे का अच्छा खासा बोथ साइड मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं, बट ट्रेंडेड मूव के लिए नथिंग वी कैन डू एज ऑफ नाउ, वी नीड टू वेट एंड वॉच। सो सम सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन टोन इज कमिंग आउट फ्रॉम माय एनालिसिस। इट्स बेसिकली नॉट ए फ्रस्ट्रेशन बिकॉज मीन्स ये रेंज के बाहर हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में इसको तोड़ नहीं पाएंगे। जो भी होगा मीन्स मेजर लेवल पे होना है, वेदर द इनविजिबल हैंड्स आर अलाउइंग द मार्केट टू ब्रेक आउट ऑफ दिस रेंज, वेदर ऑन द डाउन साइड और ऑन द अपसाइड, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी GBP डॉलर कल एक नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज हुआ है, ये ट्रेडेड हाई ऑफ 1.2765 एंड करेंटली एट 1.2710। सो अगर आप डेली चार्ट देखोगे यहाँ पे एक जोन पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। सो ये जो कंसोलिडेशन, इसी को हमें वॉच करना है कि आफ्टर द यूएस पे डेटा ये ऊपर की तरफ तोड़ते हैं या नीचे की तरफ कम बैक करते हैं। डेली में हल्का सा मींस आरएसआई को देखने का प्रयास करेंगे, इट इज ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस एट 60, आल्सो डेली आरएसआई इज ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस नियर 60। क्या आफ्टर द यूएसपीआई डेटा दोनों आरएसआई अबव 60 जाते हैं या इट इज कमिंग डाउन, सम सॉर्ट ऑफ थोड़ा बहुत करेक्शंस करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। GBP INR similarly consolidation at this breakout zone pe, so ye consolidation ke baad hame intezar rahega ek trended move ka, kya ye upar ki taraf trended move dete hain ya niche ki taraf, iske liye hame thoda sa intezar karna padega। euro dollar basically aapka weaker than the GBP dollar. GBP dollar is trying to break the recent swing high, whereas the euro dollar is much below the recent swing high. यहाँ पे एक ही चीज है, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है यहाँ पे आप देखोगे क्या कह रहा है, ये टाइम पास कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। पहले भी हम देखेंगे ये काफी टाइम पास किया, उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। क्या अभी के समय पे सिमिलरली ये कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ जाते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। यूरो आईएनआर पे भी सिमिलरली एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ये सपोर्ट के लोअर एंड पे आके रुका हुआ है। क्या ये इस लेवल को तोड़ के जो एक मॉडरेट सपोर्ट लेवल है, कौन सा है, 90.50 के आसपास, इसको भी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं। डॉलर येन 144.79, ये आपका ऊपर 146 एंड नीचे आपका 143.80-90, इस लेवल के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। अभी
बेसिकली इट इज वेटिंग फॉर ए क्लू. क्या क्लू? ये यूएससीपीआई डेटा फर्दर क्लू देंगे कि इंटरेस्ट रेट का जो सिनेरियो है कितना जल्दी या कितना थोड़ा और डिले के साथ मीन्स मार्केट को इम्पेक्ट करने वाले हैं, एंड अकॉर्डिंगली ये प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा या दोबारा 146 को टेस्ट करेगा, ये हमें देखना है. येन आईएनआर, येन आईएनआर में ये सिमिलरली नीचे की तरफ 57 एंड ऊपर की तरफ 57.80 इसके बीच में कंसोलिडेट कर रहे हैं. ये कंसोलिडेशन के बाद क्या होना है वो हमें देखना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा और आपका 12 घंटे का इंतजार. डॉलर कैंडी ये जो आपका दिसंबर एंड में एक स्विंग लो बनाया था 1.317080 का, उसमें से ब्रेक डाउन ब्रेक मींस पुश पुल बैक करके फिर दोबारा ये रेजिस्टेंस पे रेजिस्ट कर रहा है. अगेन यहां पर भी ये वेट एंड वॉच, ये क्या आफ्टर द यूएसपीआई डेटा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आएगा, उसी का इंतजार है. यानी ऑल द मेजर करेंसी पेयर्स आपका अभी इंतजार कर रहे हैं कि मैं ब्रेकआउट करूं या ब्रेक डाउन करूं, क्या करूं. सो ऑसी डॉलर, अभी ऑसी डॉलर में भी एक सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल के यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं. व्हाट नेक्स्ट, उसके लिए हमें थोड़ा सा और धैर्य के साथ इंतजार करना है. CNH 7.1825 यहाँ पे जब कंसोलिडेट कर रहा था, सपोर्ट लेने का ऊपर जा रहा था, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट था 7.1975 से 7.20 का, एंड उसी डायरेक्शन पे CNH अब मूव दे रहे हैं. इस लेवल को पहुंचने के बाद अभी है 7.1825, क्या ये स्ट्रेट ब्रेकआउट करते हैं या थोड़ा सा पॉज लेते हैं, दैट विल डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेकआउट. कैसे? अगर कोई भी बड़ा ट्रेंड लेना है, ट्रेंडेड मूव लेना है, तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे थोड़ा सा पॉज लेते हैं, उसके बाद ब्रेकआउट करते हैं. अगर एक मेजर अप ट्रेंड या मेजर डाउन ट्रेंड को आप अगर एनालाइज करोगे तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेगा. अभी ब्रेंट क्रूड 77.91 कल के दिन में लो लेवल से बेस आउट करके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है. यहाँ पे आप क्या देखोगे, ये जो एक राउंड लेवल बेसिकली प्राइस इस जोन के अंदर में कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत बढ़िया, सबको पता है. और क्या देख सकते हैं, ये एक स्विंग लो है एंड ये हायर स्विंग लो, यानी यहाँ पे हायर लो तो हो गया, लेकिन क्या हायर हाई होने हो रहा है, इसका हमें इंतजार है. ये एक बार अगर इस स्विंग हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ चले जाते हैं, इन सच केस हमें हायर हाई का भी दर्शन हो जाएगा. इन सच केस मार्केट एक क्लियर ट्रेंड में जाएगा. What next? में आप देखोगे डेली RSI trying to take support at 40. So ranging करने का प्रयास कर रहा है. अभी जैसे ही ये जोन को तोड़ेगा 81.25 से 81.75 का, तो ये भी रेंज शिफ्ट कंफर्म हो जाएगा. So जब तक ये आइदर 71.25 रेजिस्टेंस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करते या नीचे की तरफ इस सपोर्ट को 73.50 के सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, तब तक हमें बोथ साइड चॉपी बिहेवियर हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यूएस 10 ईयर ट्रेजरी 4.015 क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस जोन पे पॉज हो रहा है. अभी इस पॉज के बाद जैसे यूएस सीपीआई प्रिंट आएगा तो काफी कुछ क्लैरिटी मिलेगा मार्केट को रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट सिनेरियो. उसके बाद क्या ये नीचे की तरफ आके रिसेंट स्विंग लो को टेस्ट करता है, ये हमें देखना पड़ेगा. व्हाट इफ नीचे ना आते हुए रेदर ये ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करता है, इस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ता है तो ऊपर की तरफ हमारा 4.25 से 4.31 का एक रेजिस्टेंस जोन है. यूएस 2 ईयर ट्रेजरी आपका अभी है 4.36, ये एक
मींस सैंडविच जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है। सैंडविच जोन यानी नीचे सपोर्ट 4.33 का एंड ऊपर रेजिस्टेंस 4.46 का, ये जोन के अंदर में सैंडविच होके बैठा हुआ है। अभी क्या ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ स्विंग लो को टेस्ट करता है या ऊपर की तरफ स्विंग हाई को टेस्ट करता है, रिसेंट स्विंग हाई को टेस्ट करता है, ये हमें थोड़ा सा इंतजार करना है। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट।